बिहार सहित पूरे देश में छठ पूजा की धूम है और आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के लिए तमाम जो छठवर्ती हैं गंगा घाटों पर पहुंच रही हैं। सुबह से ही ये तांता लगा हुआ है और आज के दिन सभी जो छठवर्ती हैं गंगा घाटों से स्नान करके अपने घर पे जाके खरना का प्रसाद बनाती हैं, उसे खुद ग्रहण करती हैं और लोगों के बीच में बांटती हैं। साथ ही आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए छठ में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी चीज़ें होती हैं, दौड़ा होता है, सूप होता है या छठ के बर्तन होते हैं, सभी को गंगा जल में ही धोया जाता है, ऐसी परंपरा है। तमाम छठवर्ती हैं महिलाएँ हैं गंगा घाट पर सुबह से ही इकट्ठी हो रही हैं और यहाँ से नहा के जाने के बाद खरना का प्रसाद बनाएंगी। यहाँ छठ घाट पे स्नान करने के बाद वो गंगा माँ की पूजा करती हैं, साथ ही छठी मैया की भी पूजा करती हैं और यहीं से जाके खरना का प्रसाद बनाया जाएगा और छठ पूजा की उपासना की जाएगी। फिर कल उदय अस्ताचलगामी सूरज की को अर्घ दिया जाएगा, उसके अगले दिन उदयमान सूरज को अर्घ देने के साथ छठ पूजा की समापन हो जाएगी। तो ये तस्वीर पटना के गंगा घाटों की है, ये दीघा घाट है जिस घाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और छठवर्ती हैं उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? हम डेहरी ऑनसन से आए हैं। डेहरी ऑनसन से छठ करने के लिए? जी सर। अच्छा, यहाँ प्रशासन का व्यवस्था कैसा है? प्रशासन का बहुत बढ़िया व्यवस्था है और सरकार का भी बहुत व्यवस्था है। गंगा घाट को बहुत बढ़िया से सजाया गया है और पर्वतियों के लिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। अच्छा, आप खुद छठ करते हैं क्या? जी सर। कितने सालों से छठ कर रहे हैं? कल का 7-8 साल से छठ कर रहे हैं सर। क्या मतलब कुछ मन्नत पूरा हुआ था, क्या सोच के, किस तरह आस्था आपके अंदर उमड़ा छठ को लेकर? भगवान सूर्य का मन्नत तो सब भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, लेकिन अगर मन में जो धारणा है तो हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें और ऐसा धारणा है कि छठ व्रत पूर्ण करने से आपकी सारी मनोकामना। अच्छा, छठ को लेकर कई तरह की कहानियाँ हैं, कई तरह की किदवंतियाँ हैं, क्यों छठ मनाया जाता है आपको कुछ पता है? उतना ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान सूर्य का इसमें ज़्यादा भास्कर का ही है, मतलब प्राकृतिक पर्व के रूप में जोड़ के देखा जी जाता है। सर, प्राकृतिक के रूप में इसी बहाने मैंने भगवान के पर्व के बहाने उनका आराधना किया जाता है। इसी बहाने सारे मनुष्य अपना 3 दिन तक अपने शरीर को पूरी तरह से शुद्धकरण किया जाता है, शुद्ध रखता है आदमी और मन को शुद्ध कर करके भगवान की आराधना करते हैं। अच्छा, यहाँ से स्नान करने के बाद खरना के दिन क्या होता है? क्या खरना के दिन हम लोग अभी जाएंगे तो ये खीर वगैरह बनेगा भगवान के प्रसाद के रूप में, उसको हम लोग खीर और रोटी के रूप में हम लोग पारण करते हैं। उसके बाद अगले दिन भगवान सूर्य का दिन भर बिना निर्जला शाम को आराध्य दिया जाएगा कल। तो बिल्कुल लोग जो है खरना के दिन छठ व्रत को मना रहे हैं, खरना के रूप में मना रहे हैं और आप दृश्य देखिए, ये गंगा स्नान करने के बाद जो महिलाएं होती है सुहागन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर भी नाक से लगाया जाता है। ये परंपरा जो है सिर्फ बिहार में देखने को मिलता है और कहीं नहीं, जो नाकों से सिंदूर लगाने का जो प्रथा है सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलता है। कुछ जो छठवर्ती हैं उनसे हम बात करते हैं। मैडम, आप छठ कर रही हैं? हाँ, छठ कर। कितने दिन से कर रही हैं? बहुत, जब से 20-25 बरस हो गए साथ छठ कर ला। अच्छा, ये जो सिंदूर लगाने का प्रथा है नाक से, ये सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलता है? सुहागन चीज है, नहीं और जगह माथा से लगाया जाता है, नाक से सिर्फ बिहार में ही लगाया जाता है। कुछ पता है क्यों लगाया जाता है? हम पता है कि छठ के लगा जाता है। परंपरा शुरू से ही? जी हाँ, शुरू से ही। अच्छा, खरना आज है, खरना के दिन क्या क्या होता है बताइए थोड़ा सा। रोटी बनेगा, घी घास कर, मीठा में खीर बनेगा, वही सांझ का आदमी खाएगा, वही खाएगा, सवेरे अर्घ देंगे, सांझ के काल्हे अर्घ देंगे, परसों भोर में अर्घ देंगे, बाद में खाना खाएंगे। अच्छा, जो जिला प्रशासन का काम है छठ घाटों पे, उसको देख के क्या बोलिएगा, कैसा काम है? बढ़िया है, हमेशा बढ़िया ही होता है। काम कर रहे हैं? हाँ, वो तो बहुत अच्छा काम किए हैं बिहार में। अच्छा, आप कितने दिन से छठ कर रहे हैं? हम तो 7-8 साल से कर रहे हैं। तो छठ को लेकर आस्था है, ऐसा कहा जाता है कि छठ पर्व जो है उसमें गीत का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बिना गीत का छठ पर्व अधूरा रहता है। आप लोग कुछ छठ का गीत गुनगुनाइएगा क्या? नहीं, हमको तो एकदम में नहीं आता। नहीं आता नहीं। तो फिर गाना पहले नहीं, गांव में तो गीत मुंह से ही गाया जाता था, लेकिन अब तो ये कैसेट का मतलब बाजा वजा गाता है, अब तो मुंह वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी बड़ बुजुर्ग जो है वो मुंह से गाता है, लेकिन हम लोग के आता नहीं।
एक लाइन गुनगुनाइए। कोपी बोले ली छठिया माई सुनाए सेवा खालो हे हमरा घाट दुभिया गाइले मकरी बसरा ले मकरी बसरा ले। बिल्कुल यही खूबसूरती है छठ पर्व की, क्योंकि छठ पर्व में जब लोकगीत जब गाया जाता है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और पूरे पटना में, पूरे बिहार में छठ गीतों से पूरा बिहार जो है गुंजमान है। आपको एक बार जिला प्रशासन की भी व्यवस्था दिखा देते हैं। देखिए, ये चेंजिंग रूम बनाया गया है, जो भी छठ व्रती गंगा स्नान करती हैं उनको कपड़े बदलने के लिए यहाँ चेंजिंग रूम बनाया गया है। जगह जगह लाइटों के टावर लगाए गए हैं, आप देखिए लाइट के टावर लगाए गए हैं ताकि जो रोशनी है पर्याप्त मात्रा में घाटों पर रोशनी रह सके, कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिला प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं नियंत्रण कक्ष में। उसके बाद वॉच टावर बनाया गया है, पार्किंग की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है घाटों पर। तो पटना में तकरीबन गंगा घाट 100 की संख्या में गंगा घाट का निर्माण हुआ है, 16 खतरनाक घाटों की सूची में भी शामिल है। पार्किंग की भी व्यवस्था है और छठव्रती जो हैं गंगा जल को अपने साथ ले जा रहे हैं घर। उसके अलावा NDRF SDRF की टीम भी है जो नदी में तैनात है कि कोई भी अनहोनी ना हो सके, उसके लिए वो लगातार तत्पर है। और नदी को बैरिकेटिंग से घेर दिया गया है ताकि जो नदी का गहरा भाग है उसमें कोई ना जा सके। तो NDRF SDRF की टीमें जो है लगातार नदी में घूम रही है ताकि किसी अनहोनी होने पे उसे रोका जा सके। फिलहाल आज खरना है, हम आगे भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, छठ पर्व के दिन की भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो कर लें। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।